वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई विल टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ योर क्लास 12th अकाउंटेंसी बुक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इससे पहले कि वीडियोस में भी हमने क्वेश्चन करे हैं, इसमें वर्मा एंड शर्मा दो हमारे पार्टनर्स हैं, रेशो गिवन है 3:1 एंड दे dissolve their firm as on 31st March 2011. For dissolution, one balance sheet and some adjustment are given, and with the help of that balance sheet and adjustment, we have to prepare three accounts: realization account, partner capital account and balance sheet. In realization account, we have to transfer all the assets and third party liabilities. जितनी भी हमारी assets जो हम market में sold कर सकते हैं और जितनी भी हमारी liabilities third party जिसका commitment हमें किसी को pay करके पूरा करना है, वो हम transfer करेंगे realization account में. और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन है 3:1 एंड द बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट बनाने के बाद उनका दोनों का टोटल इक्वल आ जाएगा. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, विच क्वेश्चन आई विल टेल यू जस्ट बिफोर. नाउ वी नीड हेल्प टू सॉल्व द क्वेश्चन इन विच वी हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. ये चैप्टर हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन में मैंने आपको पहले भी बताया था, इन डिसोल्यूशन द पार्टनर्स हैव टू क्लोज द बिजनेस. पार्टनर अपने बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं. इस केस में क्या करना होता है, इस केस में जितनी भी हमारी एसेट्स है उसको हम सोल्ड आउट कर देते हैं, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है उसका पेमेंट करा देते हैं और पार्टनर्स का जो आपस में सेटलमेंट है वो एक दूसरे के साथ हो जाता है, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अकॉर्डिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है. यहां ये हमारी डेबिट साइड है, ये है क्रेडिट साइड. Here we write assets और ये हमारी क्रेडिट साइड है एंड here we will write our liabilities. So we started, first of all we will write land and building amount 70,000. हमारी बैलेंस शीट में लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 70,000. मशीनरी 60,000. इसके बाद दे रखे हैं डेटर्स. डेटर्स हमें दे रखे हैं 80,000 और बैंक यहां लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज बैंक कम्स इन बैंक अकाउंट. लाइबिलिटी साइड कैपिटल्स कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स 70. इसके बाद ये जो मैंने एसेट्स लिखी है ये रियलाइज होगी क्रेडिट साइड में और ये जो हमने लाइबिलिटीज लिखी है इसका पेमेंट होगा डेबिट साइड में. वी विल राइट अ हेडिंग टू बैंक एंड बाय बैंक. टू बैंक और बाय बैंक का तो एडजस्टमेंट फर्स्ट क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 वर टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग
क्रेडिट ऑफ देयर क्लेम। टोटल मेरे क्रेडिटर्स है 70,000 के, इसमें से क्रेडिटर वर्थ रुपीज 50,000। ऐसे क्रेडिटर जिनको मुझे 50,000 रुपीज देना है, दे टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग, उन्होंने लैंड और बिल्डिंग ले ली, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इस केस में हमारे पास से कैश का फ्लो नहीं हुआ। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जिसका पेमेंट हमने उस चीज में पेमेंट करा है। तो क्रेडिटर्स मेरे टोटल 70,000, 50,000 ने ले ली लैंड और बिल्डिंग, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, और बाकी जो पेमेंट बचेगा क्रेडिटर्स उसका हम पेमेंट करा देंगे 20,000। आफ्टर दैट मशीन वॉज सोल्ड एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 30%, मशीन हमने सोल्ड कर दी 30% का डेप का मतलब 30% कम, तो मशीन है मेरी 60,000, इसका 30% आएगा 18,000, माइनस करके आ गया हमारा 42,000। आफ्टर दैट डेटर्स वर कलेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 500, डेटर्स हमारे कलेक्ट हो रहे हैं 500 का कॉस्ट, इसका मतलब 500 हमारा एक्सपेंस हो गया 80,000 के डेटर्स से, ये आ गया 79,500। आफ्टर दैट एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, जो हमारे एक्सपेंस है रियलाइजेशन के, ये हो गए 1700 के हमारे होगा एक्सपेंस। इसके बाद नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, 21,700, 21,500। अब हम करेंगे इसका टोटल, इधर का टोटल आ गया 2,31,700, ये टोटल हमने यहां लिख दिया माइनस करने के बाद 2,0। ये इसका टोटल करेंगे पहले 1,91,500, और हमें रेशो गिवन है 3:1, तो 3:1 में कन्वर्ट करने के बाद पार्टनर्स के नेम है वर्मा एंड शर्मा, और उनके रेशो में डिवाइड करने के बाद आ जाएगी वैल्यू 30,150, 30,150 और 10,050। ये हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, जहां हमने एसेट्स को रियलाइज करा दिया, लायबिलिटीज का पेमेंट करा दिया, और क्वेश्चन में हमारा लॉस आ गया और ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इसको हम मानेंगे इक्वल। इस चीज को पूरी पार्टनरशिप में आपको ध्यान रखना है। इफ रेशो इज नॉट गिवन देन वी विल अज्यूम द पार्टनर्स विल बी इक्वल एज पर अवर पार्टनरशिप डील। आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना है कि बैंक इधर आया है, इसको हम बाय साइड में लिखेंगे बैंक अकाउंट, और जो बैंक हमारा इधर आया है उसको हम लिखेंगे बैंक में डेबिट साइड। इसको एक तरफ कहीं लिख लेता हूं, इसके बाद
थाउजेंड और शर्मा की कैपिटल है 180,000. आफ्टर दैट वी विल राइट द लॉस ऑफ रियलाइजेशन. रियलाइजेशन का लॉस है 30,150, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लॉस. और शर्मा का लॉस है 10,050. इसके बाद जो भी डिफरेंस होगा इस अकाउंट को इक्वल करने के लिए हम इसमें टोटल करेंगे 120,000. वर्मा का टोटल आ गया 120,000, शर्मा का टोटल आ गया 80,000. सेम टोटल भी मिल रहा है डेबिट साइड. नाउ वर्मा में से वर्मा का लॉस माइनस करके और शर्मा में से शर्मा का लॉस माइनस करके वो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. और ये माइनस करने के बाद आएगा 89850 और शर्मा का लॉस आएगा माइनस करके 69950. ये वैल्यू कैसे आएगी? वर्मा का टोटल शर्मा का टोटल 80,000, उसमें से दो लॉस माइनस कर दिया तो फाइनल पेमेंट हमें वर्मा को करना है 89,850 और शर्मा को करना है 69,950. इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट अकाउंट हम बनाएंगे वो है बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. बैंक अकाउंट को जो हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं बैलेंस से. तो हमें बैलेंस शीट में बैंक का टोटल गिवन है जिसको हमें लिखे टू बैलेंस बीडी 60,000. ये हमें क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है. अब सबसे पहले जो हमने अकाउंट बनाया था रियलाइजेशन उसमें टू बैंक आया था 21,700. वो हम लिखेंगे बाय साइड में 21,700. बाय साइड में बाय बैंक का टोटल आया था उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में और वो टोटल आया था हमारा 121,500. क्रॉस पोस्टिंग करनी है. ये हमारा कॉन्सेप्ट डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एक साइड आपको डेबिट साइड में रखनी है और एक साइड आपको क्रेडिट साइड में. इसके बाद पार्टनर कैपिटल में दोनों टू में आए हैं डेबिट साइड में तो हम क्या लिखेंगे इसको क्रेडिट में बाय वर्मा और बाय शर्मा. वर्मा और शर्मा के नाम से लिखा है आंसर लिख देंगे 89850 69950. इसके बाद ये बैंक अकाउंट हमारा इक्वल आना चाहिए बोथ साइड. ये आ गया 1,81,500 ये आ गया 1,81,500. सो इन दिस क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर सोल्ड ऑफ एसेट्स एंड पेड लाइबिलिटीज. पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर सेटलिंग द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स एंड बैंक अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट आई विल टेल यू अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर डिसॉल्यूशन. थैंक यू.